साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे मलेशिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, क्योंकि मलेशिया से रिलेटेड मैंने अभी लगभग काफ़ी टाइम से 10-15 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि इसका रीज़न यार शॉर्टली है कि जितने वीडियो थे मैंने डाल चुका। बाकी मेन वही है, आउट पास, स्पेशल पास, इमिग्रेशन रिलेटेड, वही सिस्टम लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एक भाई ने आज कमेंट किया कि सर जी मलेशिया की वीडियो डालने छोड़ दिए क्या? भैया डालना छोड़ा नहीं है, लेकिन वही बात है कि अभी मलेशिया से रिलेटेड मेरे पास कुछ है नहीं, तो वीडियो मैं कैसे डालूं यार, क्या आपको मैं बताऊं बातें। दूसरी बात, मेन माइनस पॉइंट ये आता है कि पिछली बार मैंने डाला था कि 15 फरवरी से इमिग्रेशन आपका जो सिस्टम चालू होगा, बस वही लोगों का कमेंट आपके क्या हुआ, अरे भैया मेरा कौन सा इमिग्रेशन, मेरी कौन सी ऑफिस, मैं कौन, क्या है यार मेरा। मेरे पास तो आप लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हो वो मैं लोगों को शेयर कर देता हूँ, उसमें यार मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं सर जी आपने बोला, अरे भाई मैंने बोला, मैंने वही बोला जो आपने मुझे बताया, मैंने लोगों को बता दिया। अब इसमें गवर्नमेंट नहीं करती है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप। ठीक है, अब अभी भी वही बात है, न्यूज़ मेरे पास जो आई है वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। शाह आलम में इमिग्रेशन की प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर शाह आलम में जो लोग हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी बात, अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि मार्च के अंदर आज जो न्यूज़ मिली है वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं नहीं हूँ कि मेरे पास वहाँ के पीएम का इमिग्रेशन का कॉल आ गया, मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो न्यूज़ आई है अंदर से। उसकी मैं बता दूँ कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते में, यानी 20 से 21 दिन में, लगभग इस मार्च, मान लो मार्च में, गवर्नमेंट जो इनलीगल वर्कर फिर भी वहां रह रहे हैं उनको लीगल करने का प्लान बना रही है। जैसे 2016 में माई जी बीएम वो सिस्टम चला था ना, उसी बेसिक पे कंपनी जो इनलीगल वर्कर है उनको लीगल करने का सोच रही है। ये न्यूज मेरे पास में आई है, तो थोड़ा सा आप रखें, थोड़ा सा कंट्रोल रखें अपने आप पे, थोड़ा ध्यान रखें। उसमें स्पेशल पास, आउट पास, सब कुछ बोलने की स्टार्ट होगा। ये न्यूज साथियों मेरे पास थी तो मैंने आपको दे दिया। भैया मार्च अगर निकल जाता है बाय चांस तो फिर वही मैसेज, सर जी आपने बोला, मैंने बोला, बिल्कुल बोला भैया, लेकिन आप जो आपने जो बोल मेरे को बोला वही मैंने आपको ये बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा आप भी अपने स्तर पे पता लगा सकते हैं भैया कि मार्च में कुछ होने वाला है इलीगल वर्कर, क्योंकि मार्च साल का आखिरी मंथ होता है हर कंट्री के लिए, चाहे वो कोई भी देश हो। तो जो भी गवर्नमेंट लगभग निर्णय लेती है वो मार्च में लेती है। वो आप अपने इंडिया के हिसाब से देख लीजिए, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री, ऑल ओवर कंट्री देख लीजिए, मार्च से नियर का एंड आखिरी महीना होता है। तो उसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव गवर्नमेंट को करने होते हैं। तो हो सकता है इस मार्च अंदर में 100% मेरे पास न्यूज़ आई है कि जो बंदे इनलीगल हैं उनको लीगल किया जाएगा, चाहे वो बीएम, आईजी, कोई भी गवर्नमेंट कोर्स, कोई कार्ड बनाए आपसे फीस लेके, वो एक अलग इशू रहेगा। और स्पेशल पास, आउट पास, वो भी इस महीने में चालू होने की पूरी पूरी संभावना बताई गई है, क्योंकि आखिरी मंथ है एक साल का। तो 100% पॉजिटिव आंसर आएगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखें और अपने तरीके से काम करते रहें, किसी के बहकाव में भैया ना आए, किसी को पैसे देना, ये देना, वो देना, तो देख लीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस बात का। और कोई इंक्वायरी चाहिए तो यार एक मैंने नंबर छोड़ रखा है मलेशिया का, तो उस पर आप जो भी, काफ़ी सारे लोग कॉल भी करते होंगे उनको, ठीक है, और उनसे नंबर पे आप बात कर लीजिए। अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है, परमिट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कोई इनलीगल वर्कर जिनके पास काम नहीं है तो वो उस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, वो आपको जॉब लगवा देंगे। कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो आप उनसे डिटेल में बात कर सकते हैं। आपको 7 बार अच्छा लगे तो आप उन पर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है साथियों, इतनी जानकारी थी, मैंने आपको जानकारी दे दी। नई वीडियो जैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो नई जानकारी साथ जल्द जल्द मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।